हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ प्रदीप खंडेलवाल। आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर मैकेनिकल इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट कोड 1005 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है बाइसेक्शन ऑफ ए लाइन, कि हम एक लाइन को या एक आर्क को दो भागों में कैसे बांटते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम शीट हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे तो उसमें एक बहुत कॉमन सी चीज़ रहती है कि एक लाइन दी गई है, उसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे इजी तरीका तो होता है आप स्केल से मेज़र करके आप डिवाइड करते हैं, बट वो एक सही तरीका नहीं है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के तरीके से। यहाँ आपको आर्क की सहायता से उसमें उसको एग्जैक्ट दो भागों में बांटना पड़ता है। तो कैसे हम लोग दो भागों में उसको डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो लेट सपोज आपके सामने लाइन ए बी गिवन है, इस लाइन ए बी के ही हमें दो एग्जैक्ट आधे आधे भाग बनाने हैं, इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इसका मिड पॉइंट, हमको आइडिया लग जाएगा कि मिड पॉइंट कहाँ आएगा। तो हम लोग एक कंपास पे आर्क लेंगे, जो कि जिसकी जो दूरी लंबाई होगी आर्क की, या जो ए पॉइंट से लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा हो। इसी तरीके से हम जब कंपास को बी पे रखेंगे तो भी सेम, जो हमने ए से जितनी लेंथ मेज़र करी है आर्क की, उतनी ही रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्क की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मिड पॉइंट से थोड़ी ज़्यादा, इट मीन्स विद द सेंटर एंड रेडियस ग्रेटर देन हाफ ए बी। जो रेडियस होगी उसकी वो कितनी होगी, ए बी की हाफ, ए बी मतलब ए का हाफ, उससे ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास का एक नोब रखेंगे और यहाँ आगे ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे और नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। इसी तरीके से सेम डायमेंशन का हम लोग बी से भी सेम करेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों आर्क ऊपर और नीचे कट गए हैं और उस आर्क के बीच में एक सेंटर पॉइंट मिलेगा आपको, उसको हम लोग सी मार्क कर देंगे ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ पॉइंट डी मार्क कर देंगे। और जब हम सी और डी को मिलाएंगे तो हम लोग पॉइंट ई मार्क कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट लाइन का जो है वो दो भाग हो गए हैं। इसी तरीके से यदि हमको एक आर्क के बाइसेक्ट करने हैं तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी बी द आर्क ड्रॉन विद द सेंटर ओ। लेट सपोज ये आपका आर्क है ए बी, कि यहाँ पे इसका सेंटर है ओ, उस पर बनाया गया है, मतलब एक आपने कंपास से एक आर्क बनाया ए बी। अब उसका आर्क क्या आपको हाफ करना है, तो आप क्या करेंगे, अडॉप्ट द सेम मेथड, मतलब सेम मेथड हमको अपनाना है। सेम मेथड क्या है, आप देखेंगे कि आपको जो आर्क कुछ लेना है, जो रेडियस लेना है, जो ए पॉइंट से जो आप कंपास से कट करेंगे ऊपर और नीचे, वो लगभग आधे से ज़्यादा लेना है। तो सेम आप ए पॉइंट से भी करेंगे और सेम आप बी पॉइंट से भी करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने सी और डी पॉइंट ऑप्टेन कर लिए। जब आप ऊपर कट करेंगे तो एक तरफ आर्क ए से आएगा और दूसरी तरफ आर्क बी से आएगा, और दोनों आर्क कट जाएंगे, कटने के बाद एक आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। इस टाइप से आप दोनों आर्क को इसमें हम लोग कट हो जाएंगे, तब दोनों जब लाइंस को मिलाएंगे पॉइंट सी और डी को, तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये एग्जैक्ट बाइसेक्ट हो गए। तो इस तरीके से हम लोग एक लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है, लेकिन जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जब भी हमको एक छोटी सी छोटी ड्राइंग भी बनानी होती है, तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो ये आपको आनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग एक चीज़ करते हैं, एक लाइन को पैरेलल हमको अलग भागों में बांटना होता है, तो उसको हम कैसे करते हैं, एक लाइन को डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लाइन को डिवाइड कैसे करेंगे। लेट सपोज ये एक लाइन है ए बी। अब ए बी लाइन को हमको सात इक्वल भाग करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ए बी लाइन ड्रॉ कर ली, हमको नहीं पता ए बी लाइन कितनी लंबाई की है, तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे लगभग 30 डिग्री एंगल पे ए सी, जो कि सेम ए पॉइंट से होगी। जैसे कि लाइन ए बी है, वैसे ही हम लोग लाइन एक ए सी बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ए सी लाइन बनाने के बाद हमको क्या करना है, कंपास पे एक सेम रेडियस का आर्क को फिक्स कर लेना है, और हमको उसको ए पॉइंट से हमको कट करते जाना है। सपोज ए से हमने एक आर्क फिक्स कर लिया, वन डैश आया उस आर्क का नाम,
फिर हम वन डैश पे वापस कंपास की नोब रख के फिर से उसी ए वन डैश लंबाई का वापस आर्क कट करेंगे तो टू डैश आ गया, इसी प्रकार से थ्री डैश आ गया, फोर डैश आ गया, फाइव डैश आ गया, सिक्स डैश आ गया और सेवन डैश आ गया। तो हमने क्या किया, इक्वल जो है आर्क कट कर लिए। अब हमको क्या करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल आर्क कट कर लिए। अब हमको क्या करना है, जो लास्ट जो पॉइंट है उसको हमको पॉइंट बी से मिला देना है। मिला दिया, अब मिलाने के बाद आपको सिक्स डैश, फाइव डैश, फोर डैश, थ्री डैश, टू डैश और वन डैश के पैरेलल लाइंस को क्या करना है, ड्रॉ करना है। जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इस लाइन के पैरेलल जो है इक्वल इक्वल पार्ट्स ड्रॉ हो गए हैं। तो एक तरीका है एक लाइन को डिवाइड करने का, जो कि जब हम आगे जब भी इंजीनियरिंग कर्व्स बनाएंगे, जैसे कि कोई हाइपरबोला बनाया, पैराबोला बनाया, तो उसमें हम एक लाइन के थ्रू ये सब चीज़ें ड्रॉ करते हैं, तब ये बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।